चैत्र नवरात्र की नवमी यानी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी शहर में धूमधाम से मनाई जाएगी। 30 मार्च को दो शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसकी तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। इस आयोजनों में कई खलल न हो इसके लिए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। गुरुवार को कंट्रोल रूम में SP धर्मवीर सिंह ने रघुवंशी समाज जनों के साथ बैठक की। यहां शोभा यात्रा निकलने के समय यात्रा मार्ग सेवा स्टालों के साथ ही तैयारियों की जानकारी ली। SP ने कहा त्योहार उमंग उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन किसी तरह सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखा जाए। DJ पर केवल भगवान राम के ही भजन चलाए, वह भी पहले से चिन्हित कर पेन ड्राइव में डाल लें जिससे कोई आपत्तिजनक गाना न बजे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पहाड़ सिंह पुरा से निकलने वाले यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। 30 मार्च को रामनवमी का जो प्रथम जुलूस निकलेगा सुबह 9 बजे, ये कलश चौक से निकलता है और जो उसका निर्धारित मार्ग पे निकल के ये 12:15 बजे समाप्त होता है। इसके संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और SDM साहब, SDOP साहब और सभी जो रघुवंशी समाज के पदाधिकारी हैं, समिति के अध्यक्ष इत्यादि सभी के समक्ष बैठक ली गई थी और इसकी पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर और पूरे जो मार्ग में क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कहां कहां स्टॉल रहेंगे और कहां कहां स्वागत होंगे, पुलिस व्यवस्था किस अनुसार लगनी है, सभी जानकारी ली गई और बहुत ही अच्छी बैठक हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्वक सभी समय अवधि में कार्यक्रम पूर्ण किया जाएगा। इसमें समस्त प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी और इसको सुचारू रूप से समय पे पूर्ण किया जाएगा। SP साहब के नेतृत्व में अभी कंट्रोल रूम में अपनी इसकी व्यवस्था की मीटिंग हुई थी, जो रघुवंशी समाज का जुलूस है उसका रूट चार्ट तय किया गया है और उसमें पूरी व्यवस्थाओं को आइडेंटिफाई किया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिकतम हम लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल कराएं और उनसे जुड़े हुए इशू को सुना गया है SP साहब हमारे द्वारा और कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि वो लोगों को सहायता सुविधा उपलब्ध करा के व्यवस्थित पूरे जुलूस का आयोजन करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।